आई कैन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स जो है, जो एक बहुत ही अच्छी टूल है वुमेन्स के लिए जो कि प्रेगनेंसी को जो है डिटेक्ट करना चाहती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं जो फिर नहीं है। तो जब कोई भी वूमेन जो है प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए वो मोमेंट जो है बहुत ही एक अच्छा वंडरफुल और अमेजिंग मोमेंट होता है। वो फीलिंग्स जो हैं कुछ अलग ही तरह की जो हैं उस दौरान फीलिंग्स जो हैं होती हैं जब वूमेंस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है तो वो जो है एक तरह से वूमेंस को हेल्प करेगी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, और वो जो है अपनी प्राइवेसी में रह के अपने घर में जो है इस प्रेगनेंसी को जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं, और वो जो है जान सकती हैं कि उन्होंने जो है कंसीव किया है या फिर नहीं किया है। प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट जो होती है तो ये एक हाईली एक्यूरेट किट होती है, और इसे जो है आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट में जो है इसके रिजल्ट जो है वो दिख जाएंगे। तो ये जो डिवाइस होती है तो ये सिंपली क्या करती है कि जो HCG हार्मोन्स का लेवल होता है तो उसको जो है जे डिटेक्ट करते हैं। जो HCG हार्मोन्स होते हैं तो इनको प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। जब कोई वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो है जे हार्मोन्स जो हैं पाए जाते हैं। HCG का मतलब है ह्यूमन क्रियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अगर किसी वुमेन ने जो है कंसीव किया हुआ है तो उस दौरान जो है इन हार्मोन्स का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है वुमेन्स के बीच में, और उसको जो है यूरिन के बीच में भी डिटेक्ट किया जा सकता है। आप लोगों को जो है इस किट को किस तरह से यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोगों को इस किट के ऊपर जो है कुछ मार्क्स जैसे जो हैं दिखेंगे, जैसे कि एक तो आप लोगों को S मार्क जो है दिखेगा जिसका मतलब है स्मॉल अपैरेटस, और एक जो है आप लोगों को सी मार्क जो है दिखेगा जिसका का मतलब होता है कंट्रोल, और एक आप लोगों को जो है टी मार्क जो है दिखेगा जिसका की मतलब होता है टेस्ट। तो सिंपली सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि जो सैंपल जो है यूरिन का तो उसको जो है कलेक्ट कर लेना है, और आप लोगों को जो है यूरिन का सैंपल जो है जो मॉर्निंग में जो फर्स्ट यूरिन होगा तो उसको जो है कलेक्ट करना है एक किसी क्लीन और ड्राई कंटेनर्स के बीच में। आप लोग जो है इसको कलेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग का जो यूरिन होता है तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है HCG हार्मोन्स का, तो जिससे कि आप लोगों को जो है ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं देखे जा सकते हैं अगर आप लोग जो है मॉर्निंग के यूरिन का सैंपल जो है यूज़ करते हैं इस किट के बीच में। तो आप लोगों को जो है स्ट्रिप के ऊपर जो S लिखा हुआ होगा यहाँ पे तो उसके बीच में 3 ड्रॉप जो हैं यूरिन के सैंपल के जो हैं डाल देने हैं। मीन आप लोगों को सिर्फ 3 बूंदें जो हैं यूरिन सैंपल की जो है इस S जो मार्क बना हुआ है तो उसके बीच में जो है डाल देनी है। तो आप लोगों को जो है 3 ड्रॉप्स को जो है एक साथ जो है नहीं डालना है। आप लोगों को जो है सबसे पहले 1 ड्रॉप डालना है, जब वो ड्रॉप जो है पूरी तरह से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बीच में तो उसके बाद जो है आप लोगों को नेक्स्ट ड्रॉप डालना है, और उसके बाद आप लोगों को 3rd ड्रॉप जो है डाल देना है। आप लोग जो है 5 मिनट के अंदर जो है रिजल्ट्स को जो है देख सकते हैं किट के ऊपर। तो आप लोगों को रिजल्ट्स को किस तरह से जो है रीड करना है तो उसके लिए जो है आप लोग देख सकते हैं उसके ऊपर जो है आप लोगों को एक कंट्रोल लाइन जो कि सी मार्क के साथ जो है लिखा हुआ होगा वो दिखेगा, और साथ में ही टी जो कि टेस्ट लाइन होती है। तो कंट्रोल लाइन जो है वो सिर्फ इस चीज़ को जो है बताएगा कि किट जो है सही से काम कर रही है। टी लाइन है वो टेस्ट लाइन होगी, और वो जो है बताएगी कि आप लोगों के बीच में प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर आप लोगों को जो है किट के ऊपर जो है 2 पिंक लाइन जो है वो दिखती हैं सी और टी मार्क के ऊपर तो उससे जो है आप लोगों का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। अगर आप लोगों को जो है 1 पिंक लाइन जो है वो दिखती है और वो पिंक लाइन जो है आप लोगों को सी मार्क के ऊपर दिखती है और टी मार्क के ऊपर कोई भी लाइन आप लोगों को नहीं दिखती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का टेस्ट तो सक्सेसफुल हो चुका है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं है, तो जो कि नेगेटिव को जो है बताएगा कि प्रेगनेंसी नहीं है। अगर आप लोगों को जो है किट के ऊपर कोई भी लाइन जो है वो नहीं दिखती है
तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट जो है वो सही से नहीं हुआ है और वो जो है इनवैलिड को शो करेगा। तो आप लोग जो है इस तरह से जो है अपने रिजल्ट्स को जो है देख सकते हैं किट की मदद से। तो आप लोगों को जो है 5 मिनट के अंदर अंदर ही जो है इसके रिजल्ट्स जो हैं दिख जाएंगे। तो उसके बाद आप लोगों को इस डिवाइस को जो है डिस्कॉर्ड कर देना है। और अगर आप लोग जो है बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो है जैसे ही आप लोगों के पीरियड्स जो हैं मिस होते हैं तो उसके बाद का जो सैंपल होगा तो उसको जो है आप लोगों को यूज़ करना है। जो भी नेक्स्ट डे होगा, जैसे ही आज अगर आप लोगों के पीरियड्स जो हैं वो मिस होते हैं जो कि आज आने वाले थे वो नहीं आते हैं, तो नेक्स्ट डे आप लोग जो हैं उसको चेक कर सकते हैं या फिर उसके बाद के भी जो डेज हैं तो उनमें भी आप लोग जो हैं चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 10 मिनट तक जो है उस किट के ऊपर जो है शो नहीं होता है तो उस दौरान आप लोगों को जो है उस किट को जो है डिस्कार्ड कर देना है और नई एक फ्रेश किट का यूज करना है फिर से चेक करने के लिए। साथ में ही आप लोगों को जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो है ज़्यादा पानी वगैरह जो है नहीं पीना है टेस्ट को करने से पहले, क्योंकि उससे जो है जो हार्मोन्स का लेवल होगा यूरिन्स के बीच में वो डाइल्यूट हो सकता है और जिससे कि आप लोगों का जो रिजल्ट जो है उसके बीच में इन एक्यूरेसी जो है वो देखी जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी जो है देखा जाता है कि जान तो सिर्फ एक लाइन या फिर दोनों लाइन जो है जो कि किट होगी उसके ऊपर आप लोगों को फेंट लाइन जो है वो दिखेंगी, जिसका कि मतलब है कि आप लोगों का टेस्ट जो है वो क्या है इनकम्प्लीट है। तो उस दौरान आप लोगों को जो है टेस्ट को फिर से जो है करना है दूसरी नई किट के साथ। अगर आप लोगों को किट के ऊपर जो है 5 मिनट के बाद जो है पॉजिटिव रिजल्ट जो है डिस्प्ले होता है तो वो रिजल्ट जो है वो इनएक्यूरेट रिजल्ट भी हो सकता है, फॉल्स रिजल्ट भी हो सकता है। तो उस दौरान आप लोग जो है नई किट के ऊपर जो है फिर से टेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को किट को यूज करने के 10 मिनट के बाद जो है डिस्कार्ड कर देना है और इस किट को जब आप लोग जो है मार्केट से लेके आओगे तो उस दौरान आप लोगों को क्या करना है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेके 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में स्टोर करके रखना है। अगर हम लोग जो है प्राइस की बात करें तो एक किट जो है आप लोगों को 55 रुपी की जो है मिल जाएगी और आप लोगों को एक किट को एक ही टाइम के लिए यूज करना है, एक किट को 2 या 3 बार जो है यूज नहीं करना है, ये सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए जो है होती है। जब आप लोग जो है इस किट को परचेज करेंगे तो इसके बीच में आप लोगों को एक टेस्टिंग स्ट्रिप जो है देखने को मिलेगी, डिस्पोजेबल ड्रॉपर जो है देखने को मिलेगा और साथ में ही सिलिका जेल जो है वो देखने को मिलेगी। सिलिका जेल जो है पैकेजिंग के बीच में मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एंटर ना कर जाए तो उस चीज़ के लिए होता है टेस्टिंग स्ट्रिप और डिस्पोजेबल ड्रॉपर की सेफ्टी के लिए। जो सबसे एक बड़ा बेनिफिट जो है इस प्रेगनेंसी टेस्ट किट का वो ये है कि आप लोग जो है इसकी मदद से जो है प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं और जिससे कि आप लोगों को 99% जो है एक्यूरेट रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे और उसके बाद जो है आप लोग जो है टेस्ट करने के बाद किसी डायग्नोस्टिक लैब के बीच में भी जो है टेस्ट को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। आई कैन प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो है ये जो है HCG हार्मोन डिटेक्शन किट है और जो कि वुमेन्स को बताती है एक तरह से बहुत एक्यूरेटली कि वो प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है और वुमेन जो है अपनी प्राइवेसी में रह के जो है प्रेगनेंसी को जो है चेक कर सकती हैं। आप लोगों को इस स्ट्रिप को पैकेजिंग से सिर्फ 5 मिनट पहले जो है निकालना है, उससे आप लोगों को जो है इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। पहले ही आप लोगों को जो है इसको निकाल के नहीं रखना है, सिर्फ 5 मिनट पहले जो है इसको पैकेजिंग से निकालना है और आप लोगों को जो है इसकी मेम्ब्रेन्स को जो है टच नहीं करना है सी मार्क के ऊपर या फिर टी मार्क के ऊपर या फिर एस मार्क के ऊपर, क्योंकि कोई भी बाहर का पार्टिकल्स जो है आप लोगों के हैंड से जो है इस स्ट्रिप्स के ऊपर जो है लग सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को जो है ध्यान रखना है और उसे भी जो है फॉल्स रिजल्ट जो है वो देखे जा सकते हैं। आप लोगों को ऐसी जगह पे जो है इस टेस्ट किट को जो है यूज़ नहीं करना है जहाँ पे हवा चल रही हो, क्योंकि उससे जो है जो सैंपल जो है वो बहुत जल्दी से जो है ड्राई अप हो जाएगा और आप लोगों को जो है एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो नहीं देखेंगे। जैसे कि एयर कूलर आ गया या फिर टेबल फैन आ गया, विंडो या फिर सीलिंग फैन आ गया।